हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मम्मा की रसोई में। तो आज हम बनाएंगे झटपट मिक्स वेज सब्जी। तो मिक्स वेज में जो भी पसंद हो, जो आपके पास अवेलेबल हो, जैसे लास्ट में सब्जियां बच जाती है तो सभी सब्जियां ले ले। तो मैंने इसमें लिए लौकी, पालक, गंवार की फली, आधा खीरा ककड़ी, एक हरी मिर्ची और मैंने बालोड़, ये सब्जियां ली है, और एक आलू लिया है। आप इसमें प्याज भी ले सकते हो, बीन्स भी ले सकते हो, फूलगोभी भी ले सकते हो, जो भी आपको पसंद हो वो आप इसमें ले सकते और हो। बालोड़ वाली कौन सी सब्जी है? बालोड़, लेकिन मेरे पास यही सब्जियां अवेलेबल थी तो फिर मैंने यही सब्जियां ली। इसकी लास्ट में कोई क्वांटिटी? क्वांटिटी कुछ भी नहीं, थोड़ी थोड़ी सभी चीज़ ले लो, ये बालोड़ कहलाती है। इसके बीज निकाल के इसने काट लिया। तो कोई भी मिक्स वेजी सब्जी बनाते हो जैसे मैं बना रही हूँ बस वैसे आप बना सकते हो। तो मैंने तेल गरम कर लिया, सरसों का तेल है, 1 बड़ा चम्मच तेल का लिया है। हींग डाल देंगे और आधी चम्मच जीरा डाल देंगे, और ये टमाटर और अदरक लिए। आप इस समय प्याज और लहसुन लेते हो तो आप इसी में डाल सकते हो। मिक्स कर लेंगे और अब इसमें बाकी ये सभी मसाले डाल देंगे। आधी चम्मच हल्दी पाउडर, मसाले कम ज़्यादा कर सकते हो। 1 चम्मच फुल भर के धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची डालूंगी, ये तीखी नहीं है, अगर आपकी तीखी हो तो आप कम कर सकते हो। आधा चम्मच नमक की, 1/4 चम्मच गरम मसाला, सभी मसाले हमने डाल दिए हैं। मिक्स कर लेंगे और जो हमने वेजिस तैयार किए इन्हें मैंने धो के साफ कर लिया है, डाल देंगे। तो जैसे तब सर्दियों में गाजर भी आते हैं, मटर भी आते हैं, और जो लास्ट में सब्जियां बचती है तो वो भी आप ले सकते हो। पत्ता गोभी जो भी पसंद हो वो आप ऐड कर सकते हो। मैंने बची हुई सब्जियों से सब्जी तैयार कर रही हूँ। मैं मिक्स कर लेंगे, बिना प्याज लहसुन की ये सब्जी काफ़ी अच्छी लगती है। चाहो तो आप इसे कढ़ाई में भी बना सकते हो, लेकिन मैं इसे कुकर में ही बनाती हूँ। और अब इसमें मैं पानी नहीं डालूंगी क्योंकि टमाटर का पानी भी है, पालक का भी है, लौकी भी पानी छोड़ती है, खीरा ककड़ी डाली है वो भी पानी छोड़ता है, आधा खीरा ककड़ी डाला था मैंने। बस इसे प्लेन कर देंगे और अब ढक्कन लगा देंगे, गैस फुल कर देंगे, और 2 सीटी आने के बाद मैं गैस बंद कर दूंगी। बस 2 सीटी आते ही गैस बंद कर देंगे और देखिए उसके बाद इसमें कितना पानी दिखता है हमें, जबकि हमने पानी नहीं डाला। तो मैंने 2 सीटी ली थी, भाप खत्म हो गई, बस 2 सीटी लेने के बाद ही मैंने गैस बंद कर दी थी। देखिए अब इसमें डाल देंगे हरा धनिया, नहीं हो तो भी चलेगा, हो तो आप डाल दीजिए, और मिक्स कर लेंगे। देखिए कितना पानी छोड़ दिया है, लुकिंग में भी अच्छी लग रही है सब्जी और खाने में तो टेस्टी है ही। बिना प्याज लहसुन की सब्जी तो जैसी लगती है वैसी लगेगी, बाकी आप इसमें प्याज लहसुन डाल दो तो और भी टेस्टी बन जाएगी। तो देखिए ये हमारी मिक्स वेज सब्जी बनके रेडी हो गई है। तो इस तरह से आप ज़रूर ट्राई कीजिए, ट्राई करने के बाद मुझे ज़रूर बताना कि आपसे ये सब्जी कैसी बनी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।